उस समय एक व्यक्ति कैसे अपनी राजनीति करने के लिए लोगों की जान ले सकता है, आज उसी विषय पे आपको संबोधित करने के लिए, आपसे बात करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल जी उपस्थित है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ कि इस विषय पर आपको संबोधित करें। सभी पत्रकार मित्रों को, फोटोग्राफर साथियों को नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल देवराहा जी और प्रवक्ता श्री तेजेंद्र पाल बग्गा जी, सभी साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कोरोना महामारी से संबंधित इस दूसरी लहर के अंदर, जैसा हमने पहले भी बहुत सी प्रेस वार्ताओं में दिल्ली सरकार की लापरवाहियों को, उनकी खामियों को उनके उजागर किया था, और आज वही पुष्टि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत चौंकाने वाली है। आज जब पूरा देश उस कोरोना महामारी से निकलकर हम वैक्सीनेशन अभियान की ओर बढ़ चले हैं, ऐसे में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना की दूसरी लहर में जब पीक था, उस समय जिस जो नाकामियां, जो मिसमैनेजमेंट, जो उनकी सरकार की फेल्योर, उन्होंने ऑक्सीजन की फेल्योर दिया दिखाया, और इसके साथ ही साथ कोरोना के दौरान जो अस्पतालों में कमी थी, जो उनकी सरकार की कमी थी, उन कमियों को छुपाने के लिए वो लगातार ऑक्सीजन क्राइसिस की बात कर रहे थे। और इसके कारण से केंद्र सरकार ने उनको, दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले इसलिए दिल्ली को ऑक्सीजन दिया। ये रिपोर्ट ये कहती है कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच जो पीक था, उस समय दिल्ली को वास्तविक जरूरत थी उससे 4 गुना ज़्यादा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे 4 गुना, यानी 209 मीट्रिक टन। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने एक पैनिक क्रिएट किया, और वो है एक्चुअल ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ 183 हॉस्पिटल्स एज पर डाटा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। ये इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दी 1140 मीट्रिक टन, जबकि वास्तविकता में 209 मीट्रिक टन की जरूरत थी। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानक किए जाए तो 289 मीट्रिक टन, यानी लगभग जरूरत से 4 गुना ज़्यादा। इस रिपोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, और वास्तविकता है। और इसके कारण से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बार बार ऑक्सीजन क्राइसिस की बात कही, केंद्र ने उनको ऑक्सीजन दिया, और दूसरे राज्यों का, जिसके कारण से दूसरे राज्य भी सफर किए। लगभग 12 ऐसे राज्य हैं जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई को
कम किया होगा, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री मांग रहे थे कि दिल्ली में हम ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ऐसा किया, जिसके जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली के अंदर पैनिक क्रिएट किया, दिल्ली की जनता के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बना, उसका जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए, उस समय आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने बीच में कई हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी, इन्होंने समय पे टैंकर्स नहीं प्रिक्योर किए, मिसमैनेज किया, समय पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए जो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए थे, समय पर इन्होंने लोगों को हॉस्पिटल्स को सही जानकारी नहीं दी, नोडल ऑफिसर्स इनके फोन नहीं उठाते थे, ये पूरा मिसमैनेजमेंट दिल्ली सरकार ने किया। और उस सारी कमियों को छुपाने के लिए ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि उधर कमी थी तो दिल्ली के लोग त्राई त्राई कर रहे थे, तो अपनी कमी को छुपाने के लिए बार बार ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये कहते थे हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दिल्ली में ऑक्सीजन संकट है। जबकि उनको ऑलरेडी पहले 491, फिर 550, फिर 650 और जाकर ये 750 मीट्रिक टन उनको दिया गया। और आज सच्चाई सामने आई है कि आखिर ये कमी और लापरवाही कहाँ थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर इनके मंत्री, इनके विधायक वो कालाबाजारी कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। वो ऑक्सीजन कहाँ चली गई जो भारत सरकार ने दी थी, जबकि ये रिपोर्ट ये कहती है इतने हॉस्पिटल में 209 मीट्रिक टन की खपत हुई है, अगर हम इसको हायर साइड में लें तो 289 मीट्रिक टन, तो 1140 की आप डिमांड चार गुना आपने क्यों की, दिल्ली के अंदर अफरा तफरी का माहौल क्यों पैदा किया, ये केजरीवाल जी आपको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात है, सीधा सा एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब आप इतना क्राइसिस कर रहे हैं, इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो भारत सरकार ने कहीं से भी जाकर दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो भारत सरकार ने वो ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कराई। अब प्रोवाइड कराई, आप देखिए आंकड़ा ये कहता है, ये मेरे पास एक आंकड़ा है, पर कैपिटा एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दिल्ली को दिया गया है, 60.98 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पर 10,000 दिल्ली के अंदर भारत सरकार की ओर से दी गई, जबकि केरल के अंदर 6.42, तमिलनाडु 18.74 एमटी, छत्तीसगढ़ 18.74 एमटी, हरियाणा 25.07 एमटी, महाराष्ट्र 25.09 एमटी, आंध्र प्रदेश 37.71 एमटी, तेलंगाना 53.29 एमटी। ये आंकड़ा ये बताता है कि दिल्ली को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दी गई है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 3 मई को दिल्ली के अंदर 95,000 केस थे और महाराष्ट्र में भी 92,000 केस थे, वहाँ 275 मीट्रिक टन से उनका काम चल रहा था, सफिशिएंट काम हो रहा था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्होंने ऑक्सीजन के मामले में, कोरोना की दूसरी लहर में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हर मामले में फेल साबित हुए हैं, मिसमैनेज किया है, और ये बहुत बड़ी क्रिमिनल निगलेंसी, आपराधिक लापरवाही की है केजरीवाल सरकार ने, जानबूझकर अपनी कमियों को छुपाने के लिए, केंद्र सरकार पर दोषारोपण मढ़ने के लिए ऐसा अपराध केजरीवाल सरकार ने किया है। और इसके कारण से 12 अन्य राज्य, वो यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उन राज्यों को
उन राज्यों को ऑक्सीजन कम मिल पाई। उन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों लोग की जान गई है और उन जिनकी मौत हुई है दिल्ली में आपकी मिसमैनेजमेंट से, और बाकी राज्यों में आपने जो पैनिक क्रिएट किया, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिली, आपने दूसरे के हक को भी मारा है और अपने यहाँ भी सही से इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए केजरीवाल जी, ये जो हजारों निर्दोष लोग ऑक्सीजन की कमी से जो जिनकी मौत हुई है, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। मुख्यमंत्री के हाथ हजारों निर्दोष कोरोना से जिनकी मौत हुई उनके खून से सने हुए हैं, इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, आपराधिक लापरवाही का मुकदमा होना चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी एक संवैधानिक पोस्ट पर एक मुख्यमंत्री होकर इस तरह के गैर जिम्मेदार व्यवहार किया है, इसके लिए उनको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं आज ये कहना चाहता हूं, इसके लिए कभी माफ नहीं होना चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि हजारों निर्दोष लोगों की जाने गई हैं उनकी लापरवाही से, उनकी गलत बयानी से, उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से और उनकी बार बार ऑक्सीजन की अधिक डिमांड से। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, उप मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी विधुड़ी जी बोलेंगे, उसके बाद सवाल लेंगे। मित्रों, जैसा भी आपको ध्यान होगा कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री विधुड़ी जी आपके सामने आके बार बार दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको एक्सपोज करते रहे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी की ऑडिट की बात की तो वो ऑक्सीजन पूरी हो गई। पहले भी विधुड़ी जी हमारे बीच में आपको इन विषयों को लेकर आए हैं। मैं आज एक बार फिर से हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी से निवेदन करता हूं कि आपको संबोधित करें। रहने दो भाई, पत्रकार बंधुओं की इच्छा का भी तो सम्मान करना है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक गोयल जी, दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रवक्ता आदरणीय श्री बग्गा जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, कोरोना महामारी की जब दूसरी लहर दिल्ली में आई, उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निरंतर ये प्रचार कर रहे थे कि हमने कोरोना महामारी पर विजय पाली है, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से दिल्ली सरकार को 10 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए दिए गए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगा पाए। दूसरी महामारी के आने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री एक भी वेंटिलेटर बेड अपने हॉस्पिटल्स में नहीं बढ़ा पाए। जब ये महामारी आई, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में बेड्स उपलब्ध नहीं थे, आईसीयू बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर बेड्स नहीं थे, इनके पास मेडिकल स्टाफ नहीं था,
इनके पास एम्बुलेंस वैन नहीं थी और इनके पास दवाई नहीं थी। और जब ये महामारी बढ़ी और बड़ी संख्या में लोग कोरोना से पीड़ित हुए, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के बाहर लोग बेचारे धक्के खा रहे थे, मुख्यमंत्री के घर के बाहर, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर के घर के बाहर धक्के खा रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हो गए हैं, उनको दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में ना बेड मिल पा रहा है, यदि बेड मिल भी गया है तो आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है। जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने साजिश रची कि जो आज दिल्ली के लोगों के मन में दिल्ली सरकार के प्रति जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, क्योंकि दिल्ली सरकार कोरोना महामारी को रोकने में पूरी तरह से विफल हो गई है, तो इन्होंने, क्योंकि ये बड़े भारी साजिशकर्ता हैं, ये इनका ना तो संविधान में विश्वास है ना संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है, ये वे ही लोग हैं जो अपने घर में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर मारते हैं, उनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये स्थिति दिल्ली में पैदा हो गई तो इन्होंने दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई में इन्होंने कटौती करनी शुरू कर दी। दिल्ली के अंदर 45 हॉस्पिटल्स को जो कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई करती थी, ये तो रिकॉर्ड की बात है। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को कि आपकी सरकार ने उस कंपनी को 28 हॉस्पिटल्स में आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे, इस तरह का निर्देश आपने क्यों दिया? ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे बत्रा हॉस्पिटल में मौतें हुई हों, चाहे गंगाराम हॉस्पिटल में मौतें हुई हों, चाहे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मौतें हुई हों, इन तीनों हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट ने जो उनके पास समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जबकि दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन उपलब्ध थी, तो उन तीनों हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट ने कहा है कि इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार दोषी है। आज मैं दिल्ली के उपराज्यपाल से मांग करता हूं, बगैर समय गवाए तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो मौतें हुई हैं उसकी साजिश उनके द्वारा, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा और उनके हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा रची गई है, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और इंक्वायरी ठीक से आगे बढ़ सके। अरविंद केजरीवाल को और पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए, अपने पदों से त्यागपत्र देना चाहिए। आज मैं यह मांग भी दिल्ली के मुख्यमंत्री से करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बात और ये कहते हुए कि जो सवाल हमने उठाए हैं, हम दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जो भी कमियां खामियां उस समय कोरोना पीड़ितों को, जो उनके लिए इलाज की ठीक से व्यवस्था दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही थी, हम तब भी उठा रहे थे। और जो हमारा उस समय स्टैंड था, अब जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पैनल गठित किया गया उसकी रिपोर्ट आने के बाद, हम जो कुछ आरोप लगा रहे थे या जो कुछ हम कह रहे थे वो पूरी तरह से सत्य साबित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शेख गोयल जी से निवेदन करूंगा कि संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की जनता की आवाज़, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर विधुड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सम्मानित प्रवक्ता चंद्रेंद्र पाल सिंह बग्गा जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी सम्मानित बंधुओं और साथियों, मित्रों, आज जो ऑक्सीजन ऑडिट पैनल की जीरो रिपोर्ट 24 जून को
उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुई, उसने दिल्ली सरकार के जो विज्ञापन मंत्री हैं, घोषणा मंत्री हैं, उनकी झूठ को दिल्ली की जनता के सामने बिल्कुल लाकर खड़ा कर दिया है। जैसा कि हम लोग आपके बीच बार बार बताते रहे हैं कि ये विज्ञापन मंत्री हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। आज उच्चतम न्यायालय के सामने भी 400% झूठ का चेहरा, एक काला चेहरा दिल्ली की जनता के सामने आ गया है। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार केंद्र सरकार अक्टूबर 2020 से दिल्ली सरकार को लगातार पत्र लिखता रहा कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर दूसरी लहर आ सकती है, उसके लिए हमें उच्च सभी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। 5 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने पत्र लिखा कि पीएम केयर फंड के द्वारा आपको 8 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली सरकार को मंजूरी दी है, उसके लगाने की व्यवस्था करिए। 19 अप्रैल को, जबकि ये दूसरी लहर करीब करीब 18-20 अप्रैल से शुरू हो गई थी और इसका जो बिल्कुल चरम था वो 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में था, 19 अप्रैल को दिल्ली के मालिक टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। और 20 अप्रैल को जब दिल्ली के अंदर लगातार कोरोना के केस बढ़ने लगे, 90,000 से भी पार हो गए, और जब अफरा तफरी का माहौल हुआ, दिल्ली सरकार ने तैयारियों के लिए कुछ नहीं किया था, तो उनको लगा कि अपनी नाकामी का जो ठीकरा है वो हम केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं। उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनके जो पॉइंटमैन राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, इन सब ने मिलकर एक साजिश रची कि किसी तरह से ये जो दूसरी लहर की जो नाकामी का ठीकरा है हम लोग केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं और ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाते हैं कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। और ये आज जो ठीकरा है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया कि दिल्ली के अंदर जब 209 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी तो ये 1140 मीट्रिक टन मांग रहे थे। एक तरफ दिल्ली में ऑक्सीजन सरप्लस थी और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोग मर रहे थे। 25 अप्रैल को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने एक आइनेक्स कंपनी, उसको एक पत्र लिखा जो कि दिल्ली के 45 बड़े हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन की सप्लाई करती थी कि आप 45 की बजाय 17 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, यानी कि जो 28 हॉस्पिटल है बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनको ऑक्सीजन देने के लिए मना कर दिया गया। आइनॉक्स ने उनसे कहा कि हम इनको वर्षों से दे रहे हैं, हम इनको कैसे मना कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये साजिश रची गई कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी को लेकर मृत्यु हो। और आपको जानकर हैरानी होगी, हम सब लोगों ने देखा कितना दुख का माहौल था कि गंगाराम के अंदर 25 लोगों की मृत्यु हुई, बत्रा हॉस्पिटल में 12 लोगों की मृत्यु हुई, जयपुर गोल्डन में 20 लोगों की मृत्यु हुई। हमने देखा कि जो बत्रा हॉस्पिटल के सीईओ थे डॉक्टर एसील गुप्ता, उनको टीवी पर रोते हुए देखा, उन्होंने गुहार लगाई कि हमने दिल्ली प्रशासन को समय रहते हुए ऑक्सीजन की डिमांड की और बार बार कहा, लेकिन उसके बावजूद ऑक्सीजन नहीं पहुंची। और ऑक्सीजन ऑडिट पैनल बता रहा है कि 4 गुना ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर है। वे ऑक्सीजन कहां जा रही थी, उसकी कालाबाजारी किसके द्वारा हो रही थी, ये खान चाचा क्या कर रहे थे, उनके विधायक कालाबाजारी में मशगूल थे और दिल्ली के लोग मर रहे थे, सड़कों पर मर रहे थे, हॉस्पिटलों के बाहर मर रहे थे। आज जो ये खुलासा हुआ है दिल्ली सरकार का और दिल्ली के मुख्यमंत्री का आपराधिक चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने आया है। और जैसे कि हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी जी ने मांग की है कि इस दिल्ली के अपराधी मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए और इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज ये बात आपके सामने रखनी थी। देखिए, एक एक सवाल का जवाब दे दें। देखिए, ये रिपोर्ट है इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें साफ लिखा सबमिटेड बाय सब ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है, माननीय उच्चतम न्यायालय
अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानने का इनका इतिहास है, इन्होंने गणतंत्र दिवस को चुनौती दी थी, इन्होंने कई बार अभी भी कई बार माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी इनकी सरकार ने एमसीडी को फंड नहीं दिया, इनका इतिहास पुराना है, ये संवैधानिक व्यवस्थाओं को ना मानने वाले लोग हैं और इनके खिलाफ अगर ये फैसला हुआ है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जो कहीं किसी के द्वारा बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट किया, और इससे इसीलिए तो ये विरोध कर रहे थे ऑक्सीजन ऑडिट का, क्योंकि इन्होंने इन्हें जानते हो कि हमें इतनी ज़रूरत है, हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, कियोस पैदा करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, इन्हें पता था पहले। देखिए, वो अपनी नाकामी कहाँ से छिपाएंगे? अगर ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात थी, जब ये ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे और कोर्ट ने ये ऑक्सीजन ऑडिट की बात की थी, तो कोर्ट में इनके वकील ने विरोध किया था, तो ये बिल्कुल पहले से ही सोची समझी साजिश के तहत केजरीवाल ने ये पूरा नाटक रचा था कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे अपनी कमी को छुपाने के लिए। आज ये स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही बरती है। देखिए, जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब ये रिपोर्ट बनाई, ऑक्सीजन ऑडिट किया कराया, तो जरूर कानून अपना काम करेगा। प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रश्न उठाया है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित जो ग्रुप बनाया गया, ऑडिट कमेटी बनाई गई, ऑडिट ग्रुप बनाया गया, उसमें ये साफ है कि आपने आपको जरूरत 209 MT की थी। अगर हम उसको आइडियल पोजीशन में लें तो 289 MT, लेकिन आप डिमांड 1140 करके भारत सरकार के ऊपर दबाव और पूरे देश और दिल्ली में कियोस पैदा करने का काम किया है, ये अपराध केजरीवाल ने किया है। और फिर बाद में जैसी ऑक्सीजन ऑडिट की बात कही, वैसी आपने डिमांड पे यूटर्न ले लिया। मैं ये कह रहा हूँ, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई कोर्ट का जजमेंट आता है तो उसमें नीचे साइन होते क्या? जजमेंट तो ये रिपोर्ट अगर गलत है तो वो चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो गई है और वो अपना अभी भी वो अपनी कमी को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको देखनी है, और वो वीडियो वास्तव में इनके मिसमैनेजमेंट का। देखिए, ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर जो उन्होंने मिसमैनेज किया है,
आर्टिफिशियल शॉर्टेज दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की गई, और उसका जिम्मेदारी तो केजरीवाल की है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इनका काम था। जब सही से इनको ऑक्सीजन लेकर लोगों को हॉस्पिटल में देनी थी वो ही कर नहीं पाए, तो मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने एक आपराधिक लापरवाही की है। मैं आपको उस समय का वीडियो भी एक दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो जरा चालू किया जाए। हमने कई बड़े बड़े कोविड केयर सेंटर खोले हैं, अगर उन सब की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी अगर हम जोड़ लें तो हमें 976 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए होते। मैं एक बार हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि केवल एक दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, हफ्ते में सातों दिन अगर आप 700 मेट्रिक टन, कम से कम 700 मेट्रिक टन हमें मुहैया कराते हैं तो ही दिल्ली के अस्पतालों में जितने बेड्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगी। जो ये ऑक्सीजन की लड़ाई चल रही है केंद्र वर्सेस दिल्ली या फिर केंद्र वर्सेस दूसरे राज्य, उन्हें लेकर कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट को मंजूरी दे दी है, ये बड़ी खबर मैं बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट को मंजूरी दी है, यानी कि राज्यों की भी जवाबदेही हो। कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ ये कह देने से नहीं चलेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र हमें इतना आपूर्ति कराए, सिर्फ ये कहने से नहीं होगा, राज्यों की भी जिम्मेदारी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात कही है, यानी कि सही स्थिति का आंकलन किया जाए और बताया जाए कि स्थिति क्या है। दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा, और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, जरूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप भाई देखिए, पावरफुल एजेंसी नहीं, जब एक कोई क्राइसिस होता है, अगर मान लो देश एक परिवार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुखिया ये कहें कि हमें और ऑक्सीजन की जरूरत है, लोगों को बचाना है, उस समय तो लोगों की जिंदगी बचाने की सवाल है। तो प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने उनको ऑक्सीजन दी। अब ये जो दिल्ली सरकार का काम है कि उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन्होंने ज़्यादा ऑक्सीजन लेके होर्डिंग की, कहाँ दी नहीं दी, तो उसका तो दोषी दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, और इसीलिए ऑडिट कराया गया। धन्यवाद मित्रों।